तो अभी पापा लंच ले आ रहे थे, अब जा रहे हैं पापा वापस ऑफिस। लास्ट ब्लॉग में मैंने पूछा था कि कौन सा टाइमिंग रखूं अपने ब्लॉग का, तो बहुत सारे लोगों ने बोला है 1 बजे, कोई बोल रहा है रात को ही ठीक है डिनर टाइम में, तो इसलिए अभी मैं सोच रहा हूँ कि 1 बजे को ही फिक्स कर लेते हैं फिलहाल के लिए, टेस्ट कर लेते हैं कि इस टाइम कैसे रिस्पॉन्स आता है। ठीक आया तो ठीक, ऊपर नीचे रहा तो फिर रात का ही ठीक है। नहीं रात का नहीं, सुबह का करना फिर, अगर चेंज करेगा तो फिर सुबह के लिए मेरे को फिर सुबह तक उठना पड़ेगा फिर। अभी तो ये है ना, आज 1 बजे होता है तो मैं रात को 1-2 बजे तक एडिटिंग करता हूँ, फिर जो बची रहती है फिर मैं सुबह कर लेता हूँ। 12-1 बजे तक एडिटिंग करके उसे लगा दिया कर उसमें। 11-12 बजे तक नहीं होती ना एडिटिंग? क्यों नहीं होगी? 11-12 बजे तो स्टार्ट होती है एडिटिंग। जो टाइम लग जाता थोड़ा सा ना, रात के टाइम में थोड़ा टाइम जाता है। नहीं अब ज्यादा दिन में ही है, सुबह बस। चलो ठीक है, देखते हैं फिर। अब पापा ने तो बोल दिया ये दिन में या सुबह, रात वाला टाइम हटा दो, और मैं कह रहा हूँ कि दिन में चलने दो अभी। पर चलो जब पापा बोल रहे हैं कि सुबह और दिन में, तो सुबह दिन में ये करेंगे। एक बार मम्मी से पूछ लेते हैं, बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है भाई ये टाइमिंग का जो खेल चल रहा है ना। मैंने तो पहले भी कहा था कि मैं ब्रेकफास्ट में देखती हूँ सबकी वीडियो, और मेरे को भी ये है कि दिन में या फिर ब्रेकफास्ट में, है ना। तो मॉर्निंग पर्सन ऐसे है ना दोनों के दोनों, कहते ही मॉर्निंग पर्सन। तो मॉर्निंग पर्सन नहीं होना, तभी तो हम कहते हैं कि भाई सुबह हर काम हो जाएगा, व्लॉग भी डल जाएगा, तेरी वॉक भी हो जाएगी, अपना एक्सरसाइज करो, उठो जल्दी, सब कुछ होता है इसमें। इसके लिए अपना शेड्यूल बहुत ही चेंज करना पड़ेगा मुझे, शेड्यूल अच्छा हो जाएगा इससे, पर अब क्या कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज होगी कि रात 12 बजे सो और सुबह 6 बजे उठ जाओ, बस इतना टाइम है बस। चलो ठीक है, देखते हैं अभी फिलहाल 1 बजे रखते हैं, हो गया एंड ऑफ डिस्कशन। एक महीने ये भी करके सुबह उठ के देखो जरा, अपने को थोड़ा चेंज करो। तो बहुत दिनों से दोस्तों के साथ कहीं घूमने नहीं गया था, तो इसलिए आज अज्जू आया है यहाँ पे। देखो अभी हम यहाँ पुल पे पहुंचे थे, और यहाँ पे हमने एक ये स्प्लेंडर बाइक देखी, और सिक्योरिटी लेवल देखो, ओपी सिक्योरिटी है, ओपी चेन से बांधा और ताला भी है। तो अभी हम आ रखे हैं ऐता का पुल, कोटद्वार से लगभग 9-10 किलोमीटर है ऐता का पुल, और ऐता का पुल से दुगड्डा हमारा पड़ेगा 2 किलोमीटर लगभग। तो अभी आप देख सकते हो बढ़िया भीड़ हो रखी है, उधर भी गाड़ियां वाड़ियां लगी हुई है, उधर भी लोग हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि नीचे जाए ना जाए, है पानी उतरना है। देख मुझे नहाना तो है, इसको नहाने का मन कर रहा है, और मेरे को सिर्फ पैर डालने का मन कर रहा है, नहाने का नहीं कर रहा। तो यहाँ पुल पे मेरे को मेरा स्कूल मेट मिल गया, स्कूल में पढ़ते थे हम साथ में। अरे भाई शर्मा मत। ये अंकुश, पूरा नाम बता दे भाई एक बार। अंकुश नेगी, बास्केटबॉल इतना बढ़िया खेलता है भाई, और अभी देखना स्किल्स दिखाएगा भाई। और अभी अभी मुझे पता चला है कि इंस्टाग्राम ने इसने एक वीडियो डाली होगी ड्रिबल करते हुए बास्केटबॉल, और वो किसने शेयर करी है? एनबीए इंडिया ने शेयर करी है, तो कितनी बड़ी बात है मेरे को अभी पता चला। तो बहुत बढ़िया यार, एक बार दिखा दे फिर, एक बार हमारी ऑडियंस ले भी दिखा दो फटाफट। ये देखो बॉल लेके घूम रहा है भाई, और प्रैक्टिस करने आता है। तो तू यहाँ प्रैक्टिस करने आता है? नहीं नहीं, तो फिर घूमता हूँ, घूम रहा था अकेला। और ये बॉल लेके घूमता हूँ, जहाँ जाता हूँ, और कहीं भी मतलब प्रैक्टिस करने जाता है। सही है फिर, चल फिर अब दिखा दे, तीनों से करो ना, तीनों से। तो भाई मजा आ गया अंकुश भाई, है ना, एक बार अपने जरा चेहरा दिखा दो, अपना प्यारा सा चेहरा। तो ये हमारा भाई, इसकी जो एनबीए वाली वीडियो तुझे एनबीए वालों ने शेयर करी थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और वीडियो के एंड पे भी चलाऊंगा, तो देखना जरूर, वो मतलब बहुत ही सही था। तो भैया एनबीए ने शेयर किया था, कुछ ना कुछ तो बढ़िया रहा है ना। तो चल भाई धन्यवाद, है ना, मिलते हैं फिर। तो हम नदी में आ चुके हैं, और राजू ने यहाँ पे देखो चेयर बना दी है, और चेयर भी भीग गई है, पता नहीं कैसे तो चेयर बनाई इसने, और ये देखो और चेयर का सामान लिया है ये। पर तेरी चेयर ठीक नहीं लग रही मुझे। ये नहीं टेबल है, टेबल है। अच्छा टेबल है ये। तो 2-3 घंटे घूमने के बाद हम घर पहुंच चुके हैं, और कोटद्वार में 2 नए कैफे खोले हैं, तो हमने सोचा चलो दोनों कैफे में जरा एक हाथ मार के आते हैं। तो दोनों जगह थोड़ी थोड़ी चीजें खा के आए हम, और दोनों जगह ठीक ही थी। अभी नाम नहीं बता रहा हूँ मैं कैफे का, क्या नाम था। चल फिर ठीक है,
मजा आया मटन खाने हैं। ये मटन खाने का लगा हुआ है कि मटन खाते हैं, खाएंगे बाद में खाएंगे कभी। चल बाय। आ गई मम्मी घूम के। कहाँ से आ रहे हो लेट? बड़ी मुश्किल से तो आज बाहर से, आज बाहर निकली हूँ। मैं भी निकला था आज बाहर। तो मेरे बाद गया होगा ना। आप कहाँ से आ रहे हो बताओ? बत्ती कर दी ना। कर दी पूजा। आप ये बताओ कहाँ से आ रहे हो आप? किट्टी से आ रही हूँ आज, इतने महीनों बाद। क्या करा आज किट्टी में बताओ फिर? गेम। कौन से गेम खेले? तंबोला खेलते हैं और एक गेम होता है। एक तो तंबोला हो गया और एक कोई दूसरा भी होगा। गेम खिलाते हैं। तो आज कौन से खिलाए बताओ? वर्ड उल्टे बोलने थे ना, जैसे 67 है तो 76, 9 है तो 9090। अच्छा जरा 09 हो गया तो 90। कौन जीता फिर? आप जीते कुछ? तंबोला भी नहीं और वो ज्यादा गेम नहीं। तो क्यों नहीं जीते? जीतते ही रहते हैं, बहुत सारा खेलते हैं वो, जीतते ही रहते हैं। कितने गेम खेलते तंबोला के? कम से कम 5-6 राउंड। तो अभी हम सब ने डिनर कर लिया है और मम्मी आज बाहर से आई थी, पार्टी से आई थी, तो मम्मी थक रखी है, तो इसलिए मम्मी का आज बर्तन धोने का मन नहीं है, तो आज मेरे को बर्तन धोने पड़ेंगे। तो अब मम्मी ने ऑर्डर दे दिया है तो फिर फॉलो तो करना ही पड़ेगा। और अब कल की प्लानिंग हो रही है, कितने बजे चलना है कल? मुझे क्या पता, मैं तो जब 5 बजे ही बोलूंगा। 5 बजे तो और क्या? तो अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कितने बजे चलना है। कितने बजे चलना है मम्मी? भाई मुझे नहीं पता, जितने बजे तुम बोलोगे मैं तो उतने बजे रेडी। तो तीनों के तीनों एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं कि तुम बताओ। खाना लेने जाना होता तो चलो ठीक है, अब खाना ही बनाना है जी। सही बात है, खाना बनाना नहीं है। भाई कैसे नहीं मिलेगा यार, ऐसे भी हो सकता है कि खाना नहीं मिलेगा? उस दिन भी ऐसे ही हुआ था। तो अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कितने बजे चले। तो 10 बजे उठ जाएगा? 9 बजे नहीं, 12 बजे जा। 80 किलो पता नहीं क्या वहाँ। तो 9 बजे कर देते, छू गया ना केवल। 9 बजे कर देते, 9 बजे दिमाग खराब है क्या? कितने बजे करना है फिर? मुझे नहीं पता। तो यमकेश्वर का प्लान बन रहा है, तो कोटद्वार से बाबा बता रहे हैं कि 80 किलोमीटर है वो, 80 किलोमीटर, तो कम से कम 2.5 घंटा तो लगेगा वहाँ पहुँचने में। 3 घंटे कम से कम लगेगा। 3 घंटा लगेगा। चलो तो अगर हम 9 बजे भी निकलते हैं तो 9:30 लगा लो कि कोटद्वार से निकले, 10:30, 11:30, 12:30 तक पहुँचेंगे, 2 घंटा मारेंगे। ठीक है, रास्ते में नहीं करना क्या? योगी जी का भी घर गाँव है वहाँ पे, कई सारी चीजें हैं। मतलब तू खाली बस एक जगह जाना है केवल? नहीं नहीं सही बात है, 8 जगह जाना है। तो चलो फिर 8 बजे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं फिर। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जब चलना होगा तो तैयार हो जाओगे, मैं तो चल दूंगा। ये हो ही ना बात, ये स्प्रेड होती है, मेरे को कोई वो थोड़ी है। मेरे को कौन सा कुछ करना है? पर्ची निकलवाऊं क्या? तो मैं तो वही कह रहा हूँ, मेरे को कुछ करना नहीं है। ठीक है, 8 बजे डन करते हैं, कल सुबह मिल अपना सोच। तो अभी फिलहाल 8 बजे कंफर्म हो रहा है, और ये इतनी बहस इसलिए हो रही थी क्योंकि अभी चिराग और भी जाएंगे कल हमारे साथ, तो उनको बताना है टाइमिंग कि भाई इतने बजे निकलना है, तो इसलिए इतनी बहस हो रही थी कि ये टाइम वो टाइम ऐसा टाइम वैसा टाइम, एक दूसरे को पिन पॉइंट करने में लगे सब। तू बता तू। तो अभी 1 बज रहा है और एडिटिंग मैंने कर ली कंप्लीट, बस जो अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ इसको एडिट करना बाकी है, फिर रेंडर करूंगा, फिर अपलोड करूंगा, और फिर लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट काम आएगा थंबनेल ढूंढना। मेरे को थंबनेल बनाना पड़ा, ऐसा लगता है कि मतलब सबसे टफ काम लगता है मुझे थंबनेल बनाना। कहीं भी जाके शूट कर लूंगा, किसी भी महफिल में जाके शूट कर लूंगा, कहीं भी एडिटिंग कर लूंगा, कभी भी एडिटिंग कर लूंगा, चाहे कितनी भी नींद आ रही हो एडिटिंग कर लूंगा, पर पता नहीं क्यों थंबनेल बनाने की जब बात आती है ना मेरा फेस उतर जाता है उस समय, पता नहीं क्यों। पर चलो कोई बात नहीं, जब तक वीडियो रेंडर हो गया तब तक थंबनेल बनाऊंगा। और यहाँ पे मैंने अपने गैजेट लगा दिए चार्ज होने के लिए, जिससे कल जब जाने का टाइम हो तो पापा पीछे से ये ना बोले कि तूने अभी तक ये भी चार्ज नहीं किया, तूने अभी तक ये भी चार्ज नहीं किया, अब टाइम मिल रहा है तुझे चार्ज करने का, तो इसलिए फटाफट चार्ज कर लिया। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अंकुश मिला था मेरे को, जो बास्केटबॉल खेल रहा था बहुत बढ़िया, तो मैंने उस टाइम बोला था कि मैं उसकी वीडियो लास्ट में डालूंगा, पर वो वीडियो अभी मुझे मिली नहीं क्योंकि मैंने उसको इंस्टाग्राम में मैसेज किया पर अभी उसने रिप्लाई नहीं किया, टाइम भी ज्यादा हो गया भाई, वो खेलने वाला आदमी है, उसको थक लग जाती होगी, वो सो गया इसलिए, तो इसलिए वीडियो को लास्ट में डाल पाऊंगा। बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा उसका, तो प्लीज उसको जाके फॉलो करना, और फॉलो भी ना करो तो एक मैसेज भेज देना कि हम वीडियो देख के आए हैं, उसको बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, सच में बहुत मेहनत कर रहा है वो, और वो अपना पैशन फॉलो कर रहा है, मतलब मैं समझ सकता हूँ वो चीज उसकी, उसको स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो फुटबॉल बास्केटबॉल ये सब खेलता है और इसी से रिलेटेड आगे काम कर रहा है वो, मैं डिटेल में तो नहीं बता रहा हूँ कुछ, तो प्लीज उसको जाके मैसेज जरूर करना। और बाकी स्किल्स तो आपने देख ली होंगी उसकी, और अगर कोई नया है इस चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, नीचे एक लाल बटन दिया है उसको एक बार प्रेस कर देना, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए आप नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, और अगर आपते मेरा ब्लॉग अच्छा लग तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बंडे अच्छा लग तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में शेयर भी करें। तो अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और एक चीज और, जब मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था तो मैंने बोला था हम 2 रेस्टोरेंट में गए थे, पर फुटेज सिर्फ मैंने एक ही रेस्टोरेंट की डाली है क्योंकि जो दूसरे रेस्टोरेंट की फुटेज थी वो बनी ही नहीं, क्योंकि जो मेरा 360 कैमरा था वो वहां पे रिकॉर्ड ही नहीं करा उसने।